हमारे पास क्या है, हमारे पास है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, आपसे क्या कह रहे हैं, हमने बीपीटी में क्या करता, इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो। तो लाइन पैरेलल आपने ड्रॉ किया था तब रेशियो सेम आया था। हम कह रहे हैं नहीं, इन ए ट्राइंगल, तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड, मैंने आपसे कहा था स्टेटमेंट वन मार्क्स के लिए आ सकता है, इन द सेम रेशियो, देन इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। भाई एक लाइन है, टू साइड्स को तो वो यूज कर चुकी, टू साइड्स को तो वो डिवाइड कर चुकी, तो ट्राइंगल में तीसरी साइड ही बचेगी, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो हमारे पास क्या है थ्योरम, ये ट्राइंगल है, ए बी सी, और हमारे पास क्या है सर, ये है डी लाइन, और ये डी जो है ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, गिवन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, रेशियो सेम है। इधर देखिए, स्क्रीन विजिबल है आपको, इन ए ट्राइंगल द रेशियो ऑफ टू साइड इज सेम, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, आपसे कह रहा है प्रूफ करो लाइन इज पैरेलल, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। मैंने आपसे कहा था इफ लाइन पैरेलल रेशियो सेम, एंड इफ रेशियो सेम लाइन पैरेलल, ये हमारे पास है, तो हमें शो करना है डी पैरेलल टू बी सी। हम यहां कर क्या करते हैं, हम कंट्राडक्शन मेथड ले लेते हैं, ध्यान से सब बच्चे देख लीजिए, ये हमारे पास प्रूफ है। अगर हम ये मान लें कि भाई डी हमारे पास पैरेलल नहीं है, लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो ड्रॉ लाइन लेकिन थ्रू डी, डी एफ पैरेलल टू बी सी। हम ये मान के चल रहे हैं कि डी हमारा बी सी के पैरेलल नहीं है, तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो डी को तो कॉमन ले सकते हैं कम से कम, और डी से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज पैरेलल टू बी सी, डी एफ। अब सब बच्चे मुझे बताओ, अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, रेशियो सेम, रेशियो सेम होता है, गुड। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी बाय बी पी टी। आपने क्या कहा, आप कंस्ट्रक्शन कर लिया डी एफ पैरेलल टू बी सी, अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा, इतना तो हमें पता है। तो यहां तक हम आ गए, ये हमारा वन हो गया। अब जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसे हमने यूज कर लिया, और कुछ हमारे पास है नहीं, तो अब हमारे पास ये बचता है जो गिवन है, तो इसे ले लो। नाउ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, ये गिवन है, आप इसे टू कह सकते हो, लेकिन अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे भी AD अपॉन DB है और यहां पे भी AD अपॉन DB, तो हमारे पास क्या रह गया, ये दोनों इक्वल आ गए। फ्रॉम वन एंड टू AF अपॉन FC AE अपॉन EC,
प्लीज ध्यान से देखिए, AF हमारा ये है, ध्यान से यहां देख लीजिए, AF हमारा ये है और FC हमारे पास ये है, और दूसरा हम क्या कह रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं AE अपॉन EC, इस तरह से। तो हम क्या कर सकते हैं, वन प्लस कर दें दोनों में, तो वन प्लस AF अपॉन FC एंड वन प्लस AE अपॉन EC। आप सब बच्चों ने वन प्लस करना सीखा ही है। इस FC को यहां ले जाऊं, AF में ऐड कर दूं, FC, प्लीज सब बच्चे ध्यान से, FC प्लस AF क्या हो जाएगा भाई, AC। तो आपके पास आ जाएगा AC अपॉन FC। और इसी तरह से अगर EC को AE में प्लस करूं, एक एक चीज आप भी इसी तरह से अपनी कॉपी पे समझा कीजिए, 4 मार्क्स के लिए है, अगर थ्योरम आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है कन्वर्स ऑफ एबीसी, लेकिन अगर आया तो 4 मार्क्स के लिए। EC प्लस AE, ये हमारे पास E है और ये EC हो गया और ये AE हो गया, तो EC प्लस AE AC हो जाए, तो ये हो जाएगा AC अपॉन EC। अब आप कर सकते हो कि AC से AC कैंसिल, तो हमारे पास आ गया FC is equals to EC, बस इतना ही करना था। अब इसका क्या मतलब है FC is equals to EC, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, मेरा F E पॉइंट तो यहां है और F पॉइंट यहां है। आप क्या कह रहे हो कि भाई FC और EC दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमारे हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, F पॉइंट अलग है और E पॉइंट अलग है। तो अगर C पॉइंट कॉमन है और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है और दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों डिस्टेंस तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाए। तो अगर हमारे पास क्या है, ये FB यहां आ जाएगा, तो जो लाइन DF है वही लाइन DE हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इट इज पॉसिबल FC इज इक्वल्स टू EC, इट इज पॉसिबल व्हेन बोथ लाइन कोइंसाइड, बोथ लाइन सेम। अगर बोथ लाइन सेम है तो DF को तो हम खुद कह रहे हैं कि ये पैरेलल है, तो अगर DF ही DE है तो DE भी पैरेलल हो जाएगा, ये स्टेटमेंट देना लास्ट में। तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली इफ DE एंड DF कोइंसाइड। तो DF क्या है, पैरेलल टू BC, बट DF इज पैरेलल टू BC, सो DE इज पैरेलल टू BC, ये स्टेटमेंट देना है छोटा सा। दोबारा से देख लीजिए जरा ध्यान से, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, हमसे कह रहा है कि भाई ये शो करो कि ये लाइन रेशो सेम गिवन है, शो करो लाइन पैरेलल। हम कह रहे नहीं लाइन पैरेलल नहीं है, हम खुद से लाइन डाल लेते हैं पैरेलल, लाइन पैरेलल तो रेशो सेम, बट एक रेशो हमें भी दिया हुआ है, दोनों रेशो को कंपेयर करेंगे तो ये पार्ट इक्वल आ जाएगा। अब क्योंकि एक ही के पार्ट है तो वन ऐड करके एक पॉइंट तो हम सेम कर सकते हैं, तो ए सी ए सी कैंसिल, तो एफ सी इज इक्वल टू ई सी। बस FC जब EC के इक्वल आ जाए तो आपको ये करना है कि भाई FC दूसरा डिस्टेंस है, EC दूसरा डिस्टेंस है, बट शो हमने इक्वल किया है, तो इट इज पॉसिबल ओनली इफ बोथ द पॉइंट्स आर कोइंसाइड या बोथ द लाइंस आर कोइंसाइड। तो इफ DE इज सेम एज DF, तो DF हमने लिया था पैरेलल, तो DE भी हमारा पैरेलल होगा। इसे नोट करिए अच्छे से, रहा क्या समय, वेरी गुड, शाबाश, नोट करिए बेटे।